नवोबुधाय जय गुरुदेव। कंशी टीवी ते आपका स्वागत है। मैं आज प्रोग्राम फिर लेकर आया हाँ सांझा विचारों। आज आप विचार साझी करनी है कि मौसम बहुत खूबसूरत हो गया है। खूबसूरत मौसम के विच खूबसूरत गल्लां हो रही हैं। खूबसूरत असी अपने व्यवहार कर रहे हैं, एक दूसरे वधिया तरीके मिलते हैं। अज आप ब्याह करनी है कि ब्याहां दा मौसम है, ब्याह कुड़माइयां एनिवर्सरी, क्योंकि जो मौसम वधिया हुंदा वधिया कपड़े पाउण दिल करता, वधिया लगता सारे मिल के। पर विच विच सानूं बाहरलियां गल्लां तकलीफ हुंदी है, क्योंकि असीं जिहड़े साडे रस्म रिवाज आ उह सारे सानूं पाउंदे ने। कई रस्म रिवाज साडे सानूं भी पता नहीं है वो है कि, लेकिन अस करी जाने असं नुकसान उठाने। आप उन्होंने भी गल करनी है। एक बहुत वधिया उस्ताद लोग उस्ताद दामन जी ने एक छोटी जी कविता लिखी है कि तकलीफ सारे होंगी लेकिन कहता कोई कोई है। ये तुम मर्जी गौर करो। डॉक्टर साहब धन्यवाद करते हैं, डॉक्टर साहब ने नाल हाजिर गौर करो कविता। हाँ जी, हाँ जी, बहुत स्पैशल। ठीक है जी। भावें मूहों ना कहिए पर बिचों बिची खोए तुसी भी हो खोए असी भी हो। भावें मूहों ना कहिए पर बिचों बिची खोए तुसी भी हो खोए असी भी हाँ। इन्हां आज़ादियां हथों बर्बाद होना खोए तुसी भी हो खोए असी भी हाँ। कुछ उम्मीद है जिंदगी मिल जाएगी मोए तुसी भी हो मोए असी भी हाँ। ज्यों दी जान ही मौत दे मूँह अंदर ढोए तुसी भी हो ढोए असी भी हाँ। जागण वालियां रज के लुटिया है जागण वालियां रज के लुटिया है सोए तुसी भी हो सोए असी भी हाँ। लाली अखियां दी पेई दसदी है रोए तुसी भी हो तो रोए असी भी हाँ। जिन्हां दे परिवारां दे विच ब्याह होए उन्हां नूं पहलां असीं मुबारकबाद पेश करते हैं। दोनों वीर ब्याह दा जिहड़ा बंधन है कि बहुत खूबसूरत बंधन है। पर जिद्दां असीं अपने विहारां नूं करदे हाँ, जिन्ना असीं खर्च करदे हाँ, जिन्ना असीं वेस्ट करदे हाँ, जिन्नी अपनी जिहड़ी एनर्जी आ उहनूं असीं वेस्ट करदे हाँ, जिद्दां सानूं अपने फंक्शन ऑर्गनाइज़ करने चाहिए आ बड़ी आसानी नाल हो सकदे, लेकिन असीं बहुत दौड़ भज करके अपने आप नूं बड़े परेशान रखते हाँ। ब्याहां दे विच असीं उह कुछ करदे हाँ जिहड़ा बहुत वारी सानूं करन तों बिना असीं रह सकदे हाँ। देखो जिहड़ी ब्याह दी रस्म आ जिहड़ी ब्याह दा किरदार आ जिंदगी च इह बहुत जरूरी आ करने आपां बच्चिआं सारे सारे बच्चे बच्चे ब्याह आपां करने आ होणे वी चाहीदे आ बंधन बनने चाहीदे आ। लेकिन देखणा इह आ कि भई की जो असीं करदे हाँ कि वह असं इसलिए करते हैं कि सानू करने पै रहे हैं, जां असं इसलिए कर रहे हैं कोई जरूरत है, जां असं इसलिए करते हैं कि भी लोग करते असी भी करी जाने। सानू कितने कितने सोचना पेगा या किसी को सोचना पेगा भी जो असं कर रहे हैं यदा निर्णय करिए भी कि असी इनू अगर आसान तरीके कर लीए सानू की नुकसान। हमेशा ये सोचने की गल कि फायदा की आ नुकसान की आ जां फर्क ही कोई नहीं पैंदा। पर मैं समझदा भाई किसी भी काम के बेहतरीन वास्ते चंगे पास जाने वास्ते अगर तब्दीली की जाए तो वह फायदेमंद है, कि नुकसान नहीं होंदा। पर फिर भी जो असं गल कर लें कि भाई आप गल करनी है आप रिश्ता करना या आप ब्याह करना इनू किदा करिए पहला जी प्लैनिंग आ उहदे विच जरूर हुंदा कि जे मैं इदां करूँगा तो आम तौर तो आपां इह मोटी गल कर लैंदे कि 50-60 हज़ार पाउंड ब्याह शादी तो आपां खर्चदे आं एवरेज। देखना यह है कि उस 50 हज़ार पाउंड या 60 हज़ार पाउंड जिहड़ा आपां खर्चना कि उहदे विच आपां कटौती कर सकदे आं इस तरीके नाल कि साडी जिहड़ी जिहड़ा साडा काम आ जिहड़ी साडा रस्म आ उहनूं कोई तकलीफ ना होवे। जां कि असीं जिहड़ी रस्म उहनूं इन्नी सिंपल कर सकते हैं कि साडे समाज नूं कोई फर्क ना पवे साडे परिवार नूं कोई फर्क ना पवे। अगर असीं थोड़ा बहुत इस नज़रिए सोचांगे
ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ ਉਹ ਵਧੀਆ ਬਣੇਗੀ, ਦੂਸਰੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੀ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੀ ਲਾਈਨਾਂ ਹੋਰ 2-3 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਖੋਲ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਇੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ, ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਊ ਲੈ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਾਕੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਹਿਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਮਾਰਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਪਿਆਰੇ ਜਾਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 131ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਡੇ ਨੂੰ 11 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੰਸ਼ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਸਟੂਡੀਓ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮਦਿਨ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਲਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਇਹ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, 11 ਵਜੇ ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੈ, ਸੋਰੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ 11 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਂ, ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਪੀਕਰ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਹੋਊਗਾ, ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਬੁਲਾਰੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਰਸਨਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ, ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟਰ ਇੱਥੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਟੀਮ ਵੀ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਗੱਲਬਾਤ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਹੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਬਾਰੇ ਲਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਾਰੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਸ ਕੋਨਸੈਪਟ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕੋਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਹਰਲਾ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 50-60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਡਰਾਸਟਿਕਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਵਿਆਹ ਦੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਂਜਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਸੀਗਾ ਜਾਣ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਲਾਗੀ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਸੀਗੇ ਦੱਸਣ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਇਨ ਕੇ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਕੇ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਦੈਟ ਅਪਲਾਈਜ਼ ਟੂ ਐਨੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼, ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤੇ ਜਾਣ ਕਿਹੜੇ ਆਪਣੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਬਰੋਡਲੀ ਸੈਂਸ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਹੋਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਰਵਦਾਸੀਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਮਜੋਰਟੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਮੁਸਲਿਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਆਹ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਮਜੋਰਟੀ ਹੁਣ ਲਵ ਮੈਰਿਜਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟ੍ਰਡੀਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਮੁੰਡਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਘਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਪੜ੍ਹਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੇਜਦੇ, ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਮਲੀ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਮਲੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਆਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਛ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ ਕੋਨਸੈਪਟ ਨੂੰ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਡੋਮੀਨੇਟਿੰਗ ਕਲਚਰ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਗੱਲ ਵੀ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਪਾਉਂਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਮਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਸੈਮੀ ਸਕਿੱਲਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਅਨਸਕਿੱਲਡ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨੇ ਇਸ ਨੋਟ ਈਜ਼ੀ ਜੋਬ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 2-3 ਘੰਟੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੇਂਜਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਵਿਆਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁੜੀ ਦਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ
जी इतने तक ही आप कॉन्सनट्रेट करिए, रात दिन मैं होर ब्याह के पक्षों बारे नहीं अच्छ गल करते। एक तो गल यह हैगी चॉइस जी हैगी उन्होंने चॉइस हैगी मजोरिटी जोड़े साढ़े बच्चे है इतने मजोरिटी मैं गल करदा वो ग्रैजुएट है या पोस्ट ग्रैजुएट है तो उन्होंने पता भी है उन्होंने ब्याह की किदा करना है। बहुत केसिस के हूँ जानि कि हो रहा जी कि मैं इसकी खुशामदीद कहना इस गल बच्चे कहते भी ब्याह असी अपना आप करना है असी ब्याह के पैसे भी अपने पल्ले लाने हैं। एक तो यह गल जी है रेडिकली चेंज जी होगी मैं समझा यदा सू वेलकम करना चाहिए तो जोड़ा इनके ब्याह का खर्चा भी सारा है वो कुड़ी तो मुंडा यानी कि जोड़े है वो कहें असी अद्धे अद्धे लाने हैं यानी कि इस गल की सूँ दौर भी पानी चाहिए तो इस चीज़ को अनकरेज भी करना चाहिए। एक तो गल यह है दूसरी यानी कि गल जे नाल भी एक होर गल भी हो सकती है क्योंकि ब्याह की इंस्टीट्यूशन जी है बड़ी इंपोर्टेंट हैगी साड़िया कुल यानी कि अगर तुरदी हैगी यानी कि जहाँ होर भी कई तरह खुशियां साड़िया इनवॉल्व है साड़ी बायोलॉजिकल नेसेसिटी भी है। ये मैं महसूस करता है भी कुड़ी तो मुंडे जोड़ा है मैरिज के कोर्सिज़ पर भी भेजना चाहिए ब्याह तो पहला भी जो तुम ब्याह करवाना है उत्थे किहोजियां डिफिकल्टीज़ तुहानू आ सकती हैगियां तो उन्होंने असी किदा रिजोल्व कर सकते हैं। रिलेट जिन्हों कहते हैं या मैरिज गाइडेंस काउंसलर जिन्होंने कहते हैं वो दे रहे नंबर ऑफ कोर्सेज। एक तो यानी कि यह गल जी मैं समझा भी इनू अंडरलाइन करने की जरूरत हैगी जिते इनू यानी कि इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। दूसरा ब्याह यानी कि लड़के लड़की का है उन्होंने दोस्त मित्र जोड़े है दे आर द मोस्ट इंपोर्टेंट यानी कि जो अपने को पैसे खर्च कर रहे हैं जो कहें भाई जेब बचो नहीं पैसे जाने तो फिर यानी कि जोड़ा है उन्होंने अपनी जी है ये खाश पूरी कर देनी चाहिए है भी उन्होंने कहना उन्होंने ब्याह है उन्होंने यानी कि जो है दोस्त मित्र जोड़े आनी कि होने चाहिए ता कि अपनी खुशी में ज़्यादा बढ़ा सकन। जी गल असी यानी कि बहुत बड़े बड़े हॉल करते हैं मेरा ख्याल उन्होंने भी कोई एड्डी कोई खास जरूरत नहीं है। ब्याह तो यानी कि जरा देखा जाए तो बहुत सारे लोग जो साडे बच्चे जोड़े है वो शायद किसी धर्म भी नहीं यकीन करते हो किसी रब नहीं यकीन करते हो तो कहते भी रजिस्ट्रेशन नहीं करवानी है तो दैट्स इट दैट्स द एंड ऑफ स्टोरी। पर जे जिते यानी कि धार्मिक रस्म भी करनी जेली एग्री हो जाते हैं तो उत्थे भी उन्होंने सिंपल तरीके किया जा सकता है। असं उदू पहला जोड़ा है रुकाई करते हैं जी फिर उदू बाद जी फिर उत्थे पार्टी फिर उस तो बाद जो रजिस्ट्रेशन होनी वो पार्टी फिर यानी कि है जो कड़माई हो गई जी वो पार्टी यानी कि देर आर नंबर ऑफ पार्टीज यानी कि उन्होंने कोई एड्डी जरूरत नहीं है। एक तो यानी कि मेरा सजेशन यानी कि यह है दूसरी यानी कि गल ये ही कनैक्ट है कि जो असं पार्टियाज भी करते हैं वो खलकत इन्नी सद लेंगे है जिंद की कोई जरूरत नहीं होंगी है यानी कि वह उत्थे फूड भी जोड़ा असं लैके आने हैं। मैं ज़्यादा गलत कर रहा क्योंकि तुम तो अभी सुनिया चाहते हैं जी जी अं कर रहे हैं भी उत्तर दौर पाने एक्सैप्ट करते हैं यानी कि जो होर स्टेशन की दें हूँ उत्थे यानी कि फूड है सानू यानी कि पहले स्टार्टर दिता जाता है उत्थे वो जो फूड बच जाता है वो सिकदे है। मैं समझा क्यों ना यहोजी पिरत असी पाइए जी कि शुरू करने की गल हैगी है भी जे जड़े हॉल वाले बंदे है जिन्होंने फूड का अरेजमेंट किया है जो कह दिन कि ईवन सू जो उन्होंने इनविटेशन दिता स सू कह भी तुम घरों जो प्लास्टिक के डब्बे लै आओ जानि कि जो तुम फूड ले जाना चाहते हैं तो घर लै जाओ वो फूड किसी ना किसी जो तुम आप नहीं खाना तो इतने फूड बैंक है कि होर बहुत सारे स्ट्रीटा के बेचारे जानि कि जो भुखे है लोग उन्होंने दिता जा सकता नहीं तो उस फूड में व्हाट्स रॉन्ग विद दैट उस फूड में सीटन की बजाय जे इस रिस्क लिए आप इस मुल्कों में आए हैं उस रिस्क में यानी कि वरत्या जा सकता तो इदा ही उस फूड में भी वरत्या जा सकता है जो यानी कि असी मेन रोटी खाते हैं उत्थे भी यानी कि बहुत सारा जरा फूड है वो जो जो है उन्होंने डोंगे में होंगे है तो सुट देंगे है उस फूड में भी यानी कि है यूज़ किया जा सकता। मैं समझ इस पिरत वाल भी सूँ जो है बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। जी गल नफरी की है इन्हें यानी कि लोग कट्ठे करने की वो सूँ कोई एड्डी कोई जरूरत नहीं है यानी कि वो जिनी भी घट तो घट कटौती की जा सके जोड़ा सा खर्चा घट सकता है उन्ना ही खर्चा घटाना चाहिए। असी तो वह अननैसेसरली इन्ने यानी कि उत्थे जो फोटो भी खिंची जाने मेरा ख्याल नहीं मैरिज फोटो उदू बाद कभी कोई किन्नी बारी देखता है तुम्हें भी पता है तो मैं भी पता है तो जान जो है जो असी शराब की हूँ पिरत जी है पहला असी बोतलों रखते सके हूँ तुम देखो ये पिरत असी शुरू की है जी कि चंगी गल है हूँ जानि कि जिन्या मैरिज पार्टी से मैं जाना है उन्होंने कह लिया भी जिन्होंने बीयर चाहिए हैगी जाके उतों लैके आए
तो उतों जाके बंद जन कि जो बीयर है बार तो जाके लैके आता तो जे किसी ने कहते कोई हार्ड ड्रिंक भी पीना है वह भी उत्थे जाए तो उत्थे जाके जन के लै आए जाने एक सैपरेट जो है टेबल रखे है उतों जाके जन के लियाओ दैट मेक सम सेंस ये कि खर्चा साडा बचता है कि शराब बचती हैगी है तो कई लोग तो फिर नहीं भी जाते कहते नहीं यार ना भी पी हो तो कुछ नहीं है सो यन के सजेशन कुछ शुरू की गल ये आप होर भी बाद गल करते हैं डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद थोड़ा मैं जी रवायत है वो बारे गल कर जी ट्रडिशन जिन्हें आप भारतीय लोग चाहे वह सिख मुसलमान हिंदू बुद्धिस्ट या भारतीय क्रिश्चन भी साडा पिछोकड़ असं हिंदू धर्म दुरीतियाँ करके तो निकल के बाहर आए हैं एक बहुत बड़ी एफर्ट सी कि जड़िया साढ़े बच्चे कमियां उस समाज में जितों असं आए हैं उन्होंने दूर करने से एफर्ट पाई है और जिथे असी ये कोशिश की है कि जिथे जात पात आ जिथे किसी घटिया समझ असी उस समाज में छड़िया लेकिन जड़िया रस्मों रवाज से रीत सी ब्याहां दियां इकट्ठे करन दियां गठां घलण दियां इनविटेशन किदां करनी आ सारिया उत्थों आई मेहंदी लाओ जी या सेहरा बनो जी या फलाना करो ये करो ये सारा जो रस्मों रवाज उत्थों आया इनू असी बिल्कुल नहीं चेंज किया अजकल आ जिहड़ी मेहंदी की गल हैगी जदों डॉक्टर साहब साढ़े ब्याह हो तो साढ़े वह गोहे वागू हाथ हफ्ते मेहंदी अजकल प्रोफेशन तौर पर वह सादे है उन्होंने सादे आ और कई कई थे हजारा पाउंड के हिसाब से खर्च हुंदा मैं किसी प्रोफेशन सच नहीं मानना चाहता मेरे काम करते गुड जल्दी मैं गल करता भी जेडे उसले ब्याह हुंदे सी जिथे किसी सद्या नहीं जाता पग बन वास्ते मेहंदी लाने वास्ते कोई होर काम वास्ते वो भी ब्याह हुंदे सी लेकिन अज असी लड़की मेकअप करने वास्ते लड़कियों सद्या जाता तो उन्होंने जो बैल आ फिर एक लड़की तो करनी होती दूजिया भी कह दी सा कर दौ तो हज़ारा का बैलेंस उदो बना देने पर मैं जी मैं गल एक्चुअली करनी चाहना कि बहुत कुछ करते सू पता गलत करते हैं असं इस करके करी जा रहे हैं बी कोई ना कहे जरा 50-60 हज़ार पाउंड वो थोड़ा आया तुम कमाया कमाया तुम इदा जो न्याण ने कहा मैं चुक लेने तुम वर्जिया बिल्कुल सेल तो चीज़ा लिया सेल चीज़ा लिया कंप्यूटर अपने टैलीविजन से देखते रहे भी कदों करी वाले सेल लाने उदो लवेंगे असं वो पैसा तुम बड़ी मुश्किल न सेव किया जो तुम खर्चते हैं उदों भी थोड़ी जी सोच तो कम लो इतने मैं एक गल होर पैसे लैके कह जावा या रोटी लैके कह जावा हर एक बंदा चाहता कि मैं आए मेहमाना की इज्जत करा सत्कार करा खैर मकदम करा वधिया गल पर उन्हें कि सदो असी बहुत कोशिश करते हैं जो असी ना कार्ड बनने होंगे लिस्ट बनाने असी यह कहने भी डॉक्टर हरीश रैन के बारे यार दोस्त छोड़ो इन कोई गल नहीं क्योंकि वह थोड़े परिवार का हिस्सा नहीं है उन्होंने तुम इस कर सकते हो मूँह तो लगता करके जी इदा की लाइन हैगी जिन्ना चेर तुसी एफर्ट नहीं पाते कि भी जिहड़े यार दोस्त हैगे जिहड़े बाहरले लोग है उन्होंने मैं नहीं सदना की होगा बाद चो कहणगे भी धर्म चाहे मैनू सद्या भी मैं भी शुरू हुई गल बहुत जरूरी है जिहड़े नानके आ नानकियां तो बिना ब्याह कंप्लीट नहीं हुंदा ये साडा ट्रडिशन उन्होंने ही छड़ नहीं सकते उन्होंने रखो जिहड़ी तुहाडी लड़के की जिहड़ी क्लोज फैमिली आ भरा आ भतीजे आ चाचे ताए आ उन्हां तों बिना ब्याह संपूर्ण नहीं साडे समाज च एक लीगली गल भी हैगी हुण थोड़ी चेंज हुई एक दो साल तो वो ये आ कि जिहड़ा ब्याह आ वह साडे समाजिक तौर पर ब्याह मन्निया जांदा है लो फुल्ली है ब्याह थोड़ी मर्जी आ रजिस्टर करा लो थोड़ी मर्जी आ ना कराओ पर ब्याह जदों होना उत्थे समाज का इकट्ठा होना बहुत जरूरी है तो हम क्योंकि जोड़े लोग उन्होंने बाहर जाना होंगे उन्होंने मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए रजिस्टर कराने लग पाया इधर अपने ये एक होर सबजैक्ट है इधर आप नहीं जाते मेरे ख्याल मतलब कि जी जे ब्याह शामिल होने लाजमी आ भूआ फुफड़ हो पवा फुफड़ का काम लड़ना ही है पर फिर भी वह होना जरूरी है
तो इस करके सानू चाहिए कि असं जो जरूरी चीज़ा उन्होंने ख्याल रखिए। आप कॉल ले लीए। हैलो जी, कौन कितों बोलते? स्वागत थोड़ा जी, बहुत बहुत। हैलो जी, मैं सुखीर चंद चौहान बोल रहा। चौहान साहब, थोड़ा बहुत स्वागत, की कहना चाहोगे? देखो, अज जिहड़ा आप चर्चा कर रहे हो ना ब्याहां बारे जी, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका हर एक पहलू जिहड़ा वो इत्थे चर्चा होनी चाहीदी है। पर बड़ी गल है वे, किन्नी खुशी होवेगी वे जिन्हां दा ब्याह आ, क्योंकि जिन्हां दा ब्याह होना जे वो आप ही फैसले करन तां बहुत वधिया। क्योंकि पहला इदा हुंदा सी जी, भई बच्चे नूं तुसीं कहिंदे आ वे तूं ब्याह करा ला, अगला कहिंदा भई मैं अजे पढ़ना जां मैनूं जॉब नहीं हैगी। पर फिर उहनूं जाणी ज़्यादा मतलब फोर्स किया जाता वे, तूं क्यों नहीं करवाउंदा। पर बड़ी तो गल है भी जे लड़का आप ही सारा कुछ जॉब लभ के घर लैके फाइनैंशली वेल ऑफ हो के वो आप कहे भी मैं ब्याह करवाउणा, वो किन्ना चंगा है। और फिर बहुत बच्चे उक्का ही जिहड़ा वो दाज यकीन नहीं रखते, जिहड़ा दाज की प्रथा आ ये मैं देखिया भी ज़्यादा जिहड़े ज़्यादा जिहड़ी ओल्डर जनरेशन आ वो फड़ के बैठी है। क्योंकि पहले ही कह दें जी ब्याह करना तो वे सानू दाज की दोगे। क्योंकि हम मैं इतने जिक्र करना चाहना भी मेरे पोते ने ब्याह कराया, वो 14 अप्रैल में ब्याह सी, उन्हें मेरे ना डिस्कस किया, साढ़े ना डिस्कस किया, जेडे क्लोज रैलेटिव है उन्होंने डिस्कस किया, उन्हें कहा भी मैं 14 अप्रैल में ब्याह करवाना, भी सिर्फ रजिस्टर करवाना, कोई इन पार्टियां नहीं करनिया, भी सारे सिंपल करने। और तुसी देखो भी जब तुसी होर जगह करते हो डिफरेंट अरेजमेंट होंगे, क्योंकि जे हुण तुसी जाना हैगा तो थोनू मतलब वो आप सोचना पैंदा वी मैं जाना, हुण असी उत्थे गए हो इन्ना वधिया होया जानी है ना, जानी बहुत वधिया होया, और बिल्कुल किसी किस्म का कोई झंझट नहीं, कोई होर नहीं, और सारा उन्हें अपने पैरी किया। और एक मेरे लिए एक नवा तजर्बा सी, और उत्थे मैं बड़ा हैरान होया भी वो जिहड़े उत्थे रजिस्ट्रेशन करते हैं उन्हें जानी वो दस्या भी इत्थे सारे यूरोप के मुल्कों तो लोग ब्याह करन आउंदे आ, जानी उन्होंने वो दसदे भी तुसीं ब्याह का मतलब समझो कि इहनूं सफल किद्दां करना। क्योंकि आम जिहड़ी धारणा बनाई है जी भी कि जोड़ियां तो उपर बनदियां आपां तां सैलीब्रेट करते हैं, क्योंकि ये नहीं पाए तुसी आप जी ने ब्याह करवाना, पहला एक दूए अंडरस्टैंडिंग पैदा कर और सारा कुछ भी इनू कितना करना। पहले तो बड़ी गल है भी जे तुसी चंगी जॉब लभ ली है, मकान ले लिया और वेल ऑफ है, बहुता कुछ तो तुसी कर लिया, फिर बड़ी तो गल है भी ये देखना भी मैं किन्ना खर्च किन्ना करना। वो जिहड़ा खर्च तो बहुत जानी ये हैगा भी जिहड़ा आवागमन खर्च है वो बहुत माड़ी गल है। तो मैं चाहना भी जरूर जेड़े जिन्हों का ब्याह है पहले वो ज्यादा वो डिस्कस कर और फैसला वो लै, और ये चंगी गल है। क्योंकि हम आप इतने किन्नी देर दे आए, आप बहुत कुछ इतने देखा, और बड़े गल है भी जिस वेले कोई गलत रवायत शुरू हो जाती है फिर वो बंद नहीं होंगी। हम असं देखो इतने असं आए हैं उदो घर ब्याह होंगे सी, कोई हाल भी नहीं करता, और घर के बच्चे एक घर के जनेर ठहर जानी ब्याह हो जाना, और बाद दे विच हुण तुसीं देखो भी किन्ना शोरो शराबा। होर वड्डी तां गल आ भी जिहड़ा दहेज आ वो दहेज अजे भी चलता, और बहुत जाने कई लोग फिर इत्थे मैं ये देखिया भी बहुते बंदे विआह च आउंदे आ विआह खराब ही कर दिंदे आ, क्योंकि कई बंदिआं नूं तुसीं सद्दे आ वो कितें पींदे ही बहुत आ, उह जां पी के तुसीं कोई गलत काम कर देना सारा ही काम खराब हो जाता। इस करके जिहड़ा ब्याह दा हैगा आ ये जानी बहुत विचारन वाली गल है, पर बड़ी तो गल है भी जिहड़े मूहरे होके करते हैं जे वो विचार लैन तो वह बिल्कुल सही तरीका है, यानी भी ये खुशी वाला मौका आ भी गांह तुसीं जीवन साथी सारे सारी लाइफ बितानी हैगी है, तो तद ही खुशी है भी जे जानी चंगे पैरी होकर सोच विचार के करो। जय पी जय पान। चौहान साहब, थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सांझियां विचारां दी पूरी टीम वल्लों तुहानूं ते तुहाडे परिवार नूं तुहाडे पोते दे ब्याह दीआं बहुत बहुत वधाइयां पेश करदे आं। देखो मैं इत्थे कोई एक गल मैं जरूर दसनी चाहुंदा जी, जे मैनूं एक मिंट दिओ भई जाणी, मैं तां मेरी वाइफ ने पर्ण कीता सीगा भई मैं लड़कियां दे जल भी ब्याह करूँगा, मैं कोई दाज नहीं लवांगा। ठीक है,
और इतने तक जी मेलडिया करते मैं क्या मैं एक पाउंड भी नहीं लूंगा भी जो लड़कियां बारे है वह तो तुम जब करते हैं तो अगले ने गल करनी पैंती है और ये बिल्कुल इदा ही होया तुम देखो कोई मेलडी नहीं कोई कुछ नहीं वह हाथ मिला लिया जानी सारे ने इंजॉय किया ठीक है क्योंकि देखो ये जो आप जे मोहरे आके तुम इन्होंने चीजा के बारे आप कुछ करोगे फिर ही पता लगता और तुम देखो जब असं मैं इदा पहला किते तो कई मेरे ना नाराज हो गए भी तू तो अभी घाटा कर दा भी ये चीजा तौर तो चलिया होनी है और तुम देखो भी तुम कितने जाते तीन चीजा जी जरूर लाते मैं आप देखे एक शर्ट एक टाई तो जराबा का जोड़ा फिर क्यों लग जाने तो 11 पाउंड देने एक बंदा एक पाउंड रख लवे मोहरे तो 10 मोड़ दे जब देना ही है क्या तो 11 कहू कर दे वो जान बुझ के इदा भी है फिर होर तुम देखो भी जी दहेज की प्रथा है ये तो बहुत माड़ी है कि इन सारे जाने सिंपलीफाई करना चाहिए जय भीम जय भीम जय भीम बहुत बताइए एक बार फिर एक बार फिर आप याद कर दिए कंशी टीवी वालों बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का 131वां जन्मदिन इस एतवार 24 अप्रैल में लाइव कंशी टीवी पर मनाया जा रहा और असी दोनों वीर कंशी टीवी सारे जने थानू बेनती कर देंगे कंशी टीवी स्टूडियो पहुँच के इस प्रोग्राम में सफर करो तो यदा टाइम है 11 तो रखे 3 बजे तक लाइव कंशी टीवी पर होगा और बहुत सारे स्कॉलर बहुत सारे बाबा साहब के मिशन से बोलने वाले सज्जन आ रहे हैं तो संगीत का भी बंदोबस्त है तो असी थोड़ा इंतजार करांगे तो सारे आके इस प्रोग्राम जरूर कामयाब करो हुण जिहड़ी गल सुणी करनी है कि साडे समाज च एक गल है कि भी असी लड़की वाले ही छोटे हाँ असी हमेशा इस गल नूं हवा दिंदे आ जिहड़े लड़के वाले आ वो फुल जाणगे वी साडे कोल पहले लड़की वाले आउण जां डिमांड करदे वी आ चाहीदा असी लड़का पड़ा जे वो एक्चुअली जिहड़ी डिमांड करन दी गल आ उह ठल पै गई वो एडी गल ज़्यादा नहीं हो रही पर हो रही है पर इत्थे जिहड़ा मैं पॉइंट ज़्यादा तौर पर दसना चाहिए कि भी कोई छोटा नहीं अगर जे छोटे बड़े की गल करनी है तो असी 10 बंदे या 15 बंदे या 50 बंदे इकट्ठे होकर लड़के वाले घर जाने लैन किसी घर जाके कौन लैन जाता हों बड़ा नहीं हों गल आप समझ गल है कि पहले तो गल यह कि सोचने गल यह है कि जो तुम रिश्ता तय करते हैं तो दोनों परिवार एक होंगे अजक थोड़े सौखा हो गए जो बच्चे वो फैसला करते हैं कि भी मेरे को पार्टनर है असी ब्याह करना मापियां दस्या जाता साढ़े तो की लाड़ा मैं तो उत्थे नहीं कुड़ी नहीं वो तो होर जात दे मैं उत्थे मुंडा नहीं ब्याहना ज होर जात दे ब्याह तो उदों न्याणियां दे जद पिछे मन जाने लेकिन बाद च ताने मेहने मारने यह भी एक असी गलत पैरथ शुरू की हुई है इन भी स्टॉप करना चाहिए जे थोड़े बच्चे ने यह फैसला कर लिया जब असं ये अलाउ किया कि बच्चे फैसला करन असं उन्हें सपोर्ट करनी है तो फिर पूरी जिंदगी वो उन्होंने फैसले सपोर्ट करो ये नहीं भी ब्याह हो गया तो तेरे पेके तो आता कुछ नहीं मैं आप करो रखी मैं आई तो तेन आह करना तेन आह जुड़ गया ये जड़िया गल् है इन तो सू गुरेज करना चाहिए बहुत जरूरी है जो ब्याह है एक प्यार मुहब्बत का एक रिश्ता है इन निभाने वास्ते गिव एंड टेक जी गल है डॉक्टर साहब ने पहला गल की जोड़े कोर्स है बी हाउ टू बी सक्सैसफुल ब्याह कामयाब कि करना ब्याह सक्सैसफुल कि बना जोड़े कोर्स है वो अटेंड करने चाहिए आ जो थोनू प्रोसैस का पता हो पता सिस्टम का तो बहुत सारे दिक्कत थोनू दिक्कत लगदिया नहीं तुम वो बगैर सोचे समझे तुम उन्होंने हल कर लें तो बाकी ब्याह तो बाद जी है गिव एंड टेक जरूरी है और दूसरी गल है कि यह नहीं कि सानू कोई प्रॉब्लम नहीं होनी एवरी सिंगल परसन फेस प्रॉब्लम आफ्टर मैरिज पर उन्होंने किदा हल करते हैं ये बहुत जरूरी है जेडे साडे सियाने उन्होंने उत्थे तब्दीली की लोड़ है वो बच्चों
थोरली सपोर्ट कर ब्याहता जिंदगी बचाने वास्ते उन्हों मुश्किल हल करने वास्ते क्योंकि वह जिंदगी चो लंघे आ उन्हें भी प्रॉब्लम देखी अपने अपने टाइम पर जिदा उन्हें हल कि उस सिस्टम टाइम के मुताबिक एडजस्ट करके बच्चों को समझाया जाए तो बहुत सारिया मसलों का हल बड़ा आसान होंगे आ जिंदगी तो एक्चुअली स्ट्रगल है हमेशा हमेशा रही है हमेशा रहेगी तो बच्चों को सपोर्ट करिए जिते बच्चे गलत खास तौर पर जे थोड़ा 50-60 हज़ार पाउंड लगन तो बच्चों को कहो सदो ना चौहान साहब ने गल बहुत वधिया की है भी तुम थोड़े बहुत असी पाने इन्ने थोड़े को घर लै लो अद्धी मॉर्गेज फिनिश हो जाएगी थोड़ी कम सौखा हो जाएगा डॉक्टर साहब या बिल्कुल दो तीन गल्लां मैं जोड़नी चाहना एक तो चौहान साहब ने एग्जाम्पल पैदा की उन्होंने पोते ने इदा ही जोड़ा है मेरे परिवार के भी असी एग्जाम्पल एक पैदा की सी तो मैं समझ लिया भी उन्होंने बच्चों सानू मुबारकबाद देनी चाहिए है कि कुछ बच्चे तो यह भी कहते हैं भी मैं जोड़े है बच्चे नहीं चाहिए मैं अडल्ट सदने है ये उन्होंने चॉइस है तो इदा जो तुम रेडिकल फैसले लेने है तो कुछ बंदे नाराज भी होते फिर इट इज़ देयर प्रॉब्लम नॉट अवर प्रॉब्लम यानी कि यह बच्चों का ब्याह हैगा तो बच्चों की खुशी जी है दैट इज़ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट जे बच्चे किसी नहीं लाइक करते हैं उन्होंने नहीं सदना चाहिए क्योंकि यह बच्चों की खुशी है ये बच्चों का मैरिज हैगा। दूसरी गल एक मैं होर नाले ऐड भी करनी चाहता सगा भी जो असी इनविटेशन देन जाने कि जो ब्याह अपना आप ब्याह हो जाता है उस टाइम पर असी मिठाई के डब्बे दिने मैं समझ लिया बहुते अपने लोगों को जी शूगर वगैरह हुई है यानी कि कई होर तरह समस्यावान उन्होंने मिठी खाने के यानी कि होंगे ज पेट ज़्यादा है या कुछ भी है जो डॉक्टर ने कहा नहीं खाना इनू यानी कि जोड़ा है चेंज किया जा सकता यानी कि मैं सजेशन ही दे रहा है इनू यानी कि जो तुम ड्राई फ्रूट्स यानी कि देने शुरू कर दौ यानी कि जो तुम लगता है भी उत्थे पाँच ज़्यादा लगता तो अपन कोई फर्क नहीं पैन लगा घट्टो घट्टो खाण के तुम जान जोड़ा है फ्रूट देने शुरू करो दैट इज़ दी मोस्ट इंपोर्टेंट मैं समझा भी यन जी पिरथ हैगी सूँ पानी चाहिए है तो ये जोड़ा है बहुत सारे लोगों की सेहत भी ठीक रहेगी तो वो यानी कि यह भी है कि कई लोग घर में खाते भी नहीं है तो सैट भी देंगे है तो इस करके चीज़ वेस्ट होने की बजाय उन्होंने यूजफुल तरीके जोड़ा है आप वरत सकते हैं जी गल आप एक होर जानि कि बहुत इंपोर्टेंट हैगी क्योंकि अपने जो बच्चे है सोना नहीं पाते हैं असी ट्रडिशनली जोड़ा है लड़के लिए यानी कि लड़की लिए सोना बहुत सारा इकट्ठा कर लें यानी कि जै इंडिया जाने है इतों आप जोड़ा है इकट्ठा करी जाने भी इतों आप पाने वो कभी पाँदा ही नहीं है तो जान जोड़ा है असं कपड़े भी बच्चों लिए बहुत सारे योजा लेने है जे कि साढ़े बच्चे कपड़े पाँदे नहीं फॉर एग्जाम्पल साड़ियाँ जड़ियाँ है 70-80 लैके आदि है यानी कि जर उ रवाज है जो अपने रवाज के मुताबिक है वो पीज़ा खराब होंगे है वेस्ट होंगे है इस करके बच्चों पुछो भी तेन जानि कि जे बेटे को जरूरत हैगी मैं दस लिया तेरी मैं हैल्प कर सकता है वॉन्ट टू गिव यू इन ट्रडिशन हौली हौली तोड़ो जे असी एग्जाम्पल पैदा करके नहीं तोड़ते हैं तो वह जोड़ा है तुम बच्चों निराश भी करोगे जे उन्होंने हैल्प करनी आ जिस तरह चौहान साहब ने भी गल की मेरे वीर ने भी गल की हैगी घर लैन मदद की जा सकती है उन्होंने चंकी कार लैन मदद की जा सकती हैगी इस करके उन्होंने दे आर मोर इंटेलीजेंट पीपल उन्होंने यानी कि लेट दैम मेक दैट डिसीजन हेलो जी कौन कितों बोल स्वागत है जी हेलो वेलकम जी कौन कितों बोल रहे हेलो मैं साहब नमस्कार हाँ जी सुमन साहब जी की कहना चाहोगे आज दी मैटर से आज माड़ा जी मैं सुनया तो है थानू पर चंगी तरह मड़ जा फिर मड़ जा क्लियर कर दियो आज असि गल कर रहे हैं ब्याहां दे बारे अपने समाज दे विच जिहड़े ब्याह अजकल बहुत काफ़ी तेजी नाल हो रहा क्योंकि ब्याहां दा मौसम टॉपिक यह है कि भी केड़े केड़े रस्मो रिवाज है जिन्हें जेड़े सानू तोड़ विच फायदा सारे ऑल ऑफ देम मुद्दा हल हो गया फिर ब्याह ही नहीं होना होवे चाहे ना होवे कोई फर्क नहीं पैंदा यू नो इस सिस्टम ही सारा डिसमेंटल होना पैना यू नो इस सिस्टम ही एकदा रोटन है इट गॉट टू गो सिंपली दैट यू नो इतने चल जाओ उत इंडिया चल जाओ असी कहने कि मतलब साले गवर्नमेंट आ करे यू नो गरीबी नहीं टुटती पिछे ही मैं देखता उ जो मेरे परिवार च हमने एक ब्याह होया जो उ पैसा जोड़ा तुम पैसा खर्चा एडे वे हॉल से एडा वा खर्चा घर च पहले गरीबी आ तुम कि उठ जाओगे यू नो तुम कि उठ जाओगे उस समाज के बचों कि सुरत आ जाएगी यू नो चेंज होना ही नहीं चाहते हैं
इतने गवर्नमेंट की करे तो बाकी सिस्टम की करे कहने जी साढ़े इंडिया च जिनो साना आ समाज साना आ कर पर तुम आप तो चेंज होवो ना जी थोड़ी इकोनॉमिक थोड़ी कमजोरी जी थोड़ी इकोनॉमिक सिचुएशन आ थोड़ी आर्थिक सिचुएशन थानू गुलाम बना रही है थोड़ी जमीर को तोड़ रही है तुम यह सोचो भी असं अपनी आर्थिक सिचुएशन कि प्रोटेक्ट करिए और इस मुल्क भी मैं ये कहना है बच्चे देखी कल बच्चे ना मुल्क साढ़े बच्चों बड़ी अपॉर्चुनिटीज आ पढ़ने वास्ते लिखण वास्ते अपने पैरों से खाने वास्ते कोई ट्रेड सीखने वास्ते यूनो जरूरी नहीं कि बच्चे भाई इन डिग्री करवानी है इन ला ही करा मैं कहना इलेक्ट्रीशियन इज मेकिंग मोर मनी देन ब्लडी लॉयर यू नो सॉरी यू नो आई मीन टू से यू नो एक प्रोफेशन ना हो मैं कई यू नो डिग्रियां करके कोई मैं अकाउंटेंट आ मैं देखा कि एक ब्रिकलेयर एक टेक्नीशियन ए मोटर मकैनिक इज मेकिंग फार मोर मनी कल मैं कोई इलेक्ट्रीशियन आया और यू नो मेरी प्रॉब्लम सी डॉक्टर साहब ही स्पेंड वन आवर लेस देन वन आवर आई हैव टू पे 60 pounds टू हिम प्लस इंश्योरेंस ऑलरेडी इंश्योर्ड यू नो जिनो इन्ना इन्ना इतने मतलब जिनों मैं अपने सोचता कि अभी तो गलती तुरे फिर बच्चों भी एवं जिनो यूनिवर्सिटी धक्ते रहे जिन्हें कोई ट्रेड हों कभी हल ही नहीं सकते कभी भी है दिस इज द सिचुएशन इंडिया में भी इदा ही है मैं उन्होंने लोगों को भी कहना ये तुम अपनी गरीबी की मतलब अपने गांव लाइनी आ गुलामी लाइनी है जी आर्थिक गुलामी है होर सू कोई गुलामी नहीं कोई जात पात की गुलामी नहीं हैगी जिन कई आप कई बार कहने जिदी कोठी दाने वे कमरे भी सियाने थोड़ी वो तक जात माड़ी आ जिन्ना चक तुम्हें रोटी दूसरे से निर्भर आ जे मैनू कोई नीवा समझता मैं उन्होंने डबल नीवा समझता हाँ मैनू जलों तो मेरी रोटी ठीक है मैं वो खत्तियां जाके काम नहीं करना मैं नौकरी नहीं करनी मैं पैर देखा इंसान है मैनू नहीं प्रभाव कि जात का पता मेरे लिए मेरे तो नीवा आदमी आ जो इदा का ख्याल रखता था हम गल हैगी ब्याह शादी की मैं कहना बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ लेकिन फजूल किस्म के जे खर्चे आ जिदा तुम मिठाई की गल की है जो 200 आदमी सद्या तो उसी दो अज पांच पाउंड का डब्बा आता जो मिठाई का वो खाता कोई है नहीं गा शर्म वाली गल है डॉक्टर साहब कई दफा मिठाई के डब्बे आते हैं डस्टबिन सीटने पेंदे मैं इसी गल कर रहा मैं नहीं कहना मैं सच बोल रहा तुम भी थानू भी पता है जो मेरे आले दुआले जो एक फैमलिया है बड़िया फैमलिया उन्होंने मिठाई का डब्बा तुरिया ही रहा वो कहते भाजी मिठाई का डब्बा आया कहती मैं कोई गल नहीं जिन प्यार ना दिता है जरा कई दफा डॉक्टर लुको के ना मैं लुको के डब्बे बैग के लुको के तो मैं कहते बाहर होर दे गया देख ना लगे के मतलब भी मेरे असं उठा के आए हैं तो यह गांह देन चलिया यू नो वाई वी हैव टू डू दैट तुम आए हैं जिनो ब्याह सिंपल तो सिंपल करो सिंपल तो सिंपल की लड़ है जहान सदन की है की लड़ है एडे एडे चलाओ तुम बुढ़िया पाया जो सूट से सूट एक सूट पाया कि काफी नहीं गा इन्हें इन्हें सवेर में पहला पाना फिर भजना दोपहर में फिर शाम वर्तव नॉनसेंस इन्हों गोरिया के ब्याह होंगे आ कि गोरी भज के जाती है मतलब एक ड्रेस में बदलो करके शाम में होर पाने वास्ते क्यों दिस इज द इग्नोरेंस ये समाज में एड्डी इग्नोरेंस है मैं सवाल ही नहीं समझ आते भी ये किधर जा रहा यदि कोई डायरेक्शन ही नहीं समाज की जिड़िया थोड़े हक जो चीजा चेंज कर सकते वो तो करो ना मतलब फर्ज किया भी जी सा बजाने तो बहर आ तुम अगर रस्म रिवाजा कोई भी साढ़े जे गलत रस्म रिवाज साढ़े गल च पाए ने इन्हों क्डो है औरत को गुलाम ही इन्होंने रस्मों ने बनाया वो पंडित पंडता ने ना औरत डॉक्टर साहब तुम्हें देखा ना वो ब्याह शादी के किसी भी खास कर कई परिवार ब्याह शादी होंगी ना कि कुड़ी ने नत्थ पाई होंगी सोने की बड़ी सारी खिंचन वास्ते वो गुलामी की निशानी आ वो क्या गया सिगा कि तेरे 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 तुम घोड़ी से चाड़िया घोड़ी से चाड़िया फिर हाथ गुलाम फड़ाई लगाम फड़ाई कि अज तो तेरी यह दासी है यह गुलाम है तू तेरी यदी लगाम तेरे हाथ बचिया कि बड़ी सैड गल है कि बड़ी ट्रैजिक गल आ असं उत्थे दे उत्थे बैठे हैं बड़े माण ना दसते हैं अड्डे नौके नगा बच अड्डे मतलब पाओ गोल जहा करके बड़े गुलामी की निशानी मैं सुर तक नहीं आ रहे और फिर जहालत इन है तुम इंडिया जाके देखो तुम कहने भी असं मुसलमानों को कहने भरावान कहने कि औरतों बुरका पाया राजस्थान चल जाओ तुम हरियाणा लागे चल जाओ हले तक औरतं झुंड कट के बैठिया उन्होंने अपना हसबेंड देखना तो सवाए कई दफा उन्होंने पता ही नहीं मेरा हसबेंड कौन है कौन नहीं है चलो इंडिया की गल छो तो उत्तर नहीं बदलना पर इस मुल्क बदलीए ना
अपने बच्चे पढ़ लिया, बच्चे कुछ नहीं पता तुम की कर रहे हैं, इन्होंने गवर्नमेंट यह रस्मों रिवाजा पाया सिर्फ करके ब्याह करके अपनी जो धार्मिक रस्म करके ब्याह करके बच्चे जोड़ा बच्चे पैसा बचाने वह बच्चे मकान में लै दो फ्लैट लै दो शुरू करना जब अक्सर तुम घरे घरे रखते हैं ना ये बहुत सारिया प्रॉब्लम शुरू होनी है साढ़े स्वभाव है जी और अज के बच्चों के स्वभाव है जी जिम्मे समान का फर्क है रब ने वास है लेट चेंज इट थैंक यू डॉक्टर साहब थैंक यू जी थैंक यू सुमित साहब सुमित साहब ने एक सारी गल का रुख के भी जी बदल आ जिन्ना चर असी बदलने की ट्राई नहीं करते उन्ना चर कोई सुधार नहीं होना मैं एक गल दसवा डॉक्टर साहब जिहड़ियां ट्रेडिशन्स जिन्हों असी कहने कि साडा विरसा आ साडा भारतीयों का कोई विरसा नहीं है पहला हिंदू धर्म की रौह रवीत सी लोगों ने स्ट्रगल करके उन्होंने खत्म किया ये 200-250 साल पहला ये दोबारा शुरू हुई गोरियां तो दोबारा क्योंकि पहला गोरियां ने कॉपी किया इंडियनों नूं फिर इंडिया ने छड़ना चाहा फिर साढ़े जिहड़े बंदे जदों बंदा आजादी की गल करदा मैं फ्री होना तो जिहड़े जिद्दां असीं बहुत सारी गल्लां इत्थों पिकअप कीतियां इदा बहुत सारे रस्मों रिवाज इतों पिकअप करके असी लगे जी तीन तीन सूट बन है रिवाज चिट्टा सूट पाने की रिवाज ये इतों गई है ये स्टार्ट हुई है 1840 के एड गेड़ साल दस उरे परे हो सकते हैं उदो दोबारा शुरू हुई है आप जी गल करनी एक मैंने फिर मैं दस दवा कि संडे 24 अप्रैल आप मना रहे डॉक्टर अंबेडकर जी का 131वां जन्मदिन तो असी भी इतने हम सारे प्रजेंटर होर बहुत सारे स्पीकर सत्कारयोग वीर भैन इतने हो गए तुम भी आके इस प्रोग्राम का हिस्सा बनो ये रौनक बधाओ और मैं थोड़ा वादा करना कि तुम बहुत इंजॉय करोगे बहुत वधिया वधिया गल्लां थोड़ा सुनन नूं मिलणगियां तो गाउण वाले भी आउणगे तो असी उम्मीद करते हैं कि तुम सारे चंगे काम में साडे हौसला अफजाई करोगे क्योंकि जेडे साडे ये हीरो आ बाबा साहब होए जां साहब कंशी राम होए जां होर भगत सिंह जी होए जां होर जेडे भी जिन्हां ने भी लोगों में जागृति पैदा करने लई जदोजहद की है उन्होंने आप सारे आप मनाइए तो उन्होंने बारे जो आप गल्लां सुनदे आ आप लर्न करते हैं कि उन्हें किन्नी स्ट्रगल करके किन्ने मुश्किल वक्त में उन्होंने कारवां नूं अगे तोरिया तो आप रल के उन्हां दे जन्म मनाने चाहिए आ और आप सारे इकट्ठे होकर आप प्रोग्राम चार चंद ये प्रोग्राम 11 बजे तो लैके ऐतवार 3 बजे तक होना लाइव कंशी टीवी से ब्रॉडकास्ट होगा थैंक यू हाँ डॉक्टर साहब हाँ मैं एक तो ये ही एक्सटेंड होर भी गल कर दें जिस तरह मेरे वीर ने गल की है कंशी टेलीविजन का एड्रैस भी जोड़ा हैगा वो है हार्वेल्स इंडस्ट्रियल एस्टेट हार्वर्ड स्ट्रीट 2770 उदू बाद 0ST तो एक बार मैं फिर दोबारा दसवा एजेंट जो एड्रैस है कंशी टेलीविजन का जोड़ा कि तुम टेलीफोन करके पूछ भी सकते हैं यह है हार्वेल्स इंडस्ट्रियल एस्टेट हार्वर्ड स्ट्रीट HOWARD हार्वर्ड स्ट्रीट 2770 0ST तो जी गल असी होर जाने के इस टॉपिक जी आप डिस्कशन कर रहे हैं बहुत सारे सुजैशन जाने के आ रहे हैं जिहड़ा सानूं इह फिक्र रहिंदा ना लोक की कहणगे जो तुहाडे ते कोई विपत आउंदी आ तुहाडे ते कोई प्रॉब्लम आउंदी हैगी आ जिहनां लोकां दी तुसीं परवाह करदे आ उहनां चों तुसीं कदी कोई देखदे नहीं है जिहड़ा तुहाडा इक दोस्त मित्र बहुत ही तुहानूं प्यार करदा हैगा वह तुहाडे नाल खड़दा जां किहड़े हैगे तुहाडे बच्चे जिन्हां नूं पता हुंदा लै मेरे माँ बाप ते कोई ना कोई विपता पै गई है जां बच्चिआं ते कोई विपता पै गई हैगी आ उदों माँ बाप ते तुहाडा जिहड़ा कि बहुत ही क्लोज़ जिहड़ा दोस्त मित्र हैगा उही नाल खड़ा तो उही कोई क्लोज जो रिश्तेदार जो बाकी थोड़ा वेल विशर हैगा वो खड़ा जब बाकी लोग जो तमाशबीन होंगे है सो इस करके इन तमाशबीन लोगों की कोई बहुत ही परवाह करने की जरूरत नहीं होंगी है जिंदगी दे जिंदगी बहुत सारे लोग मिलते हैं तो बहुत सारे यानी कि लोग जोड़े है वो छड़ जाते हैं दैट्स फाइन पर यह जी ब्याह की रस्म हैगी इस करके बच्चे की खुशी जी हैगी बर्बाद ना करो मैं योजा किसी को जानता जिथे बच्चे का उन्हें किसी होर जात में ब्याह करा लिया तो माँ बाप जोड़े है वो ब्याह से गए नहीं है उस तो बाद ब्याह तो बाद भी जोड़ा है उत्ते इन्ना जातों पातों का जो है बोझ पाया
तो बच्चे ने सुसाइड कमिट कर लिया। यू विल लूज योर चाइल्ड एंड दे विल नैवर फरगैट यू। जिहड़ा बच्चा हैगा वो कभी तुहानू भुलदा नहीं, हले मैनू मेरे माँ बाप ने मेरे आह कुकर्म किया। सो इस करके तुसी तां जिहड़े क्योंकि उम्र वाइज उदा तो कोई भी किसी टाइम पर भी जा सकता है, माँ बाप जिहड़े हैगे आ बच्चों नाल पहले चल जाते हैं इस दुनिया तो, तुसी इत्थे नहीं होना है। बच्चे नूं चूज़ करन दिओ, वो साडे नाल ज़्यादा इंटैलीजेंट आ, साडे नाल ज़्यादा पढ़े लिखे है, उन्होंने साडे नाल ज़्यादा सूझबूझ है। इस दिमाग इस गल नूं अपने दिमाग विचों कढ दिओ भी सानूं खरे उम्र दे नाल अकल ज़्यादा आई, बिल्कुल नहीं आई है। जिहड़ी यानी कि इन्हां बच्चों को अकल हैगी आ, इन्हां मुल्क बच्चों के नॉलेज वाइज होर अपना इन की चीज़ों बारे इन्हां नूं साडे नाल बहुत अकल हैगी आ, एंड दे आर लर्निंग मोर, दे आर इन लिविंग इन ए वैरी डिवेल्पड कंट्री। एक होर असी रस्म जानी जिहड़ी जिहनूं कि असीं जरूर उहदे बारे जिहड़ा तुसीं जरूर विचार करो, केक रस्म जी, केक वाली रस्म हैगी, साडे रिवाज नहीं सी ये, असीं गुरिया तो अडोप्ट कर लिया। जिस तरह कि जिहड़ा हैगा वाइट कपड़े पाउण वाला रिवाज भी गुरिया तो अडोप्ट कर लिया। जे कोई चंगी चीज़ होवे दैट्स फाइन। केक अपने किन्ना क लोक खाते हैं तो यानी कि हैगा किन्नी क महत्ता देंदे हैगे ये तुहानूं पता हैगा। रिवाजां नूं घटाउणा चाहीदा, वधाउण दी कोई जरूरत नहीं है। जाण के असीं बहुत ज़्यादा टोल टमक्का भी उत्थे इन्ना रौला पैंदा है, कोई बच्चा यानी कि तुसीं नाल जे कोई फैमिली विच आया हैगा वो बीमार हो सकदा, कोई सियाणा बीमार हैगा उत्ते यानी कि उहदी सेहत 'ते असर पै सकदा हैगा, गल ही नहीं सुनदी है, इन्ना असीं रौला पाउने, डी जे भी इन्ना उच्ची यानी कि रौला पाया हुंदा। ते कुछ गाने भी इहो जिहे असीं लाउणे हैं जिथे कि जात पात नूं बढ़ोतरी दित्ती जाए, उहो जिहा डी जे नूं। मैनूं याद है एक बार एक डी जे 'ते कुछ इहो जातां नाल कनैक्टड कोई गाना चल रहा सी, तो वह बंदा यानी कि जिहड़ा कहिंदा किहड़ा डी जे इह, उहने उस वेले उहनूं बंद कराता, कहिंदा गाने नूं बंद कर दे। तो कुछ केस दे विच इन्हां मुल्कां विच नहीं है क्योंकि पता लगे पुलिस ने आ जाणा तो उन्होंने एक्शन लैणा हैगा। अपने मुल्कां विच तां इहो जिहे फंक्शनां 'ते ब्याहां दे फंक्शनां 'ते लोकां दीआं मौतां भी होईआं हैगीआं। सो मैं समझदा लै वी इह गल्लां जिहड़ीआं असीं अज कीतीआं हैगीआं ये बहुत जरूरी हैगीआं, इन्हां 'ते जरूर विचार करो। तो लेट अस मेक ए डिसीजन, असीं एक राह दर्शाऊ हुईए तो एक एग्जाम्पल पैदा कर सकीए। डॉक्टर साहब जदों ना आपां गल कोई तोर लैंदे आ, हाँ आपां इन्नियां गल्लां कीतीआं इदां लगदा कि आपां दो चार घंटे होर बैठ लईए। बिल्कुल 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 या जिदा डॉक्टर साहब ने गल कीती है म्यूजिक दी, मैं ये क्योंकि मैं तकरीबन जिंदगी 40 साल इस फील्ड गुजारे आ म्यूजिक फील्ड में। अगर अज आप जे जो म्यूजिक का सिस्टम हैगा जो गाउन बजाउन का जां डी जे का जो है जी उन्हों आप कट कर दिया एक चीज़ में तो अद्धों ज़्यादा साडा जो क्राउड घट जाना, शराब भी घट जू क्योंकि शराब भी नचते हैं। अच्छा देखो आप कई गल्ल बड़ी सिंपल आ गल कर समझण की है, आप ब्याह से जाने उत्थे होर भरा होंगे बैठे च आप गलासी पीने डांस करते हैं, सोचो कि किन्ने परसेंट वह डांस मुड़ के देखते हैं ज देखना चाहोगे। जे तुसी किसे दे घर थोड़ी वीडियो चलती हो वीडियो ला दे जहाँ तक कमरे से बाहर चलोगे या तुसी बंद करा देना, मतलब जेड़ा जेड़ा काम तुसी करदे शर्मिंदा महसूस करदे आ वो तो ग्रेस करना चाहिए। अच्छा एक चीज़ होर मैं मैंशन करनी चाहना वो ये कि भी असी ब्याह की रस्म नू बहुत पवित्र रस्म कहने जेडे ब्याह तो बाद रिश्ते जुड़ते उन्हां रिश्तों की असी किन्नी अहमियत महसूस करते हैं। लड़के दे मां बाप लड़की दे मां बाप जां उन्हां दे मामे नानके जो भी है वो थोड़ा एक परिवार बन जाता, असी उन्हां नूं बहुत घट वैलक कहने घर आए खास तौर पर लड़की के मापिया बहुत बारी गल हुंदी है भी फलानी दे मम्मी डैडी आया उन्हों पता होना कुड़ी सदे होने जानी अपने मन च आपे डर पैदा ही करी जाने होने। कोशिश सानूं यह करनी चाहिए है कि अहमियत हर चीज़ की जी अहमियत है कि समझना बहुत जरूरी है। मैं समझदा तो जेडे खर्चे घटाउण की जां किसी ट्रडिशन बैन करना जां छड्डना उन्हों ज़्यादा जरूरी है कि असी जदों असी ब्याह तय करते जां ब्याह तय हो जाता जदों असी ये फैसला करते हैं कि असी ब्याह करना उदों तो ही
दो चीज़ों का ख्याल कर लेना चाहते भी कि चीज़ सही करनी कहीं नहीं करनी, पहले तो घर फैसला कर लो, फिर जेडे बहुत क्लोज आ फर्ज को नानके हो गए दादके हो गए उन्होंने गल कर लो, तो बार हम दसने की लड़ नहीं, तुम फिर जो थोड़े घर का फैसला उ रखो थोड़ू कामयाबी होगी। डॉक्टर साहब कहना था जस्ट लास्ट ही कहना क्योंकि टाइम सब तो खत्म हो गया, भी इनविटेशन भी जोड़ा है ना उन्होंने भी हम वट्सअप पर भेजा जा सकता वो ताकि पेपर भी बचूगा तो इनवायरमेंट का भी एक बचाव होगा। असं ना सवेर उठ के दोनों पहले वट्सअप देखते हैं तो कोई ब्याह आया कि नहीं आया बहुत बहुत जरूरी है। देखो जरा असी कई गल् बड़िया सिंपल आ मिठा असं दें चलो तुम सब वधिया गल तो वधिया मिठा दो कि बंदा खा भी सके असी ना लभदे हाँ सस सब मिठा देना ब्याह का तो उत्थे पाउण साडा घर खर्च होगा जे तुम चाहते हो। पहली गल तो कोई चीज़ इस करके ना करो कि थोड़ा करनी पै रही है, वो कम करो जिहड़ा थोड़ा दिल करदा कर लो पर बच के अपना खर्च बचा के रिश्तेदारां नूं कामयाबी दे के वधिया तरीके नाल करो और तुसीं वधिया रहोगे सारे। तो अज लई साडी जिहड़ी विचार सी इन्नी हैगी है, कबूल करियो असीं तुहानूं मिलांगे अगले हफ्ते। अपना रखो ख्याल, ब्याहां शादियां ते खूब जाओ पर जिहड़ा गिफ्ट वगैरह वो तो गुरेज करो, जे देनी है तो वधिया जिहा बुक किसे नूं दे दिओ, तुहानूं पता बच्चे पढ़े आ बुकां नूं असीं पंजाबीआं च घाट असीं बुकां नहीं दिंदे ना पढ़दे आ, बुकां की जी इनू दौ जिन्ना भी तुम दे सकते हैं लोगों में अकल का भंडार वंडो। असं मिलेंगे अगले हफ्ते। डॉक्टर साहब थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। जय भीम नौ मुद्दा जय गुरुदेव। अपना रखियो ख्याल, मौसम वधिया, कपड़े पक खूब पार्कों में जाओ, ब्याह शादी जाओ। थैंक यू, बाय।